सब पेरेंट्स का अलग तरीका होता है अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज सिखाने के लिए। पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं बच्चों का सही गलत की सीख देने के लिए। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों के साथ जितने स्ट्रिक्ट रहेंगे उतना वो डिसिप्लिन रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स को उनके बच्चों की सोच पसंद भी ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों को डांटना चाहिए, पर अगर उनकी गलती हो तो बिना गलती के नहीं डांटना चाहिए, और डांटने से पहले सिचुएशन में सही क्या है गलत क्या है वो भी देखना चाहिए। बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर कम और फ्रेंडली बिहेवियर ज्यादा रखें, इससे पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स बताएंगे पेरेंट्स के जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्कोल्डिंग चिल्ड्रन टू ऑफन। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार डांटते हैं, छोटी सी गलती होती है तो भी बहुत डांट देते हैं, पर ऐसा करने से बच्चों को कितना बुरा लगता होगा वो नहीं सोचते। जैसे कि बच्चे ने कुछ तोड़ दिया या फिर उसको एग्जाम में कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स डांट देते हैं। एग्जाम में कम मार्क्स आए उसके लिए डांटने से मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। बच्चों को उस वक्त प्यार से समझाइए कि उनको स्टडीज में डिफिकल्टी है तो वो सॉल्व करे, इस वजह से बच्चा आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। मिस्ड आउट इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। प्रोफेशनल लाइफ से वक्त नहीं मिलता है, ये सब पेरेंट्स की सिमिलर प्रॉब्लम होती है। पर आपके बच्चे की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट मोमेंट है जैसे कि स्कूल एनुअल डे, पेरेंट्स मीटिंग, जहाँ पेरेंट्स का साथ होना जरूरी होता है, तो ऐसे वक्त में बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकाले ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके साथ कभी कभी क्रिएटिव गेम्स खेल ले, पार्क में घूमने ले जाए, उनकी फेवरेट मूवी दिखाइए, ताकि बच्चे आपके साथ ज्यादा फ्रेंडली होंगे और उनकी पसंद नापसंद शेयर करेंगे। साथ ही उनको आपके साथ स्पेंड किया टाइम हमेशा याद रहेगा। नॉट टेकिंग चाइल्ड ओपिनियन। कई बार आप अपने बच्चों को बोलते होंगे कि तुम छोटे हो तो बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, या फिर तुम्हें कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उनके ओपिनियन सुन ले, फिर डिसाइड करे कि सही है या गलत। पहले ही ना बोल देने से बच्चों को इंसल्टिंग लगेगा और वो आगे से कभी कुछ नहीं बोलेंगे। नो कम्युनिकेशन विद चाइल्ड। पेरेंट्स और बच्चे के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की परवरिश के लिए। दिन में एक बार तो पेरेंट्स को बच्चे से बात करने के लिए वक्त निकालना चाहिए, जैसे कि उनसे पूछे कि दिन कैसा गया, पूरे दिन में क्या हुआ स्कूल में, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स का सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होता है, ताकि बच्चे को पता चले कि आप उसकी केयर करते हैं और वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। नेवर कम्पेयर योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रेन। कई बार पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि अपने बच्चे का कम्पेरिजन दूसरे बच्चे से करते हैं, जैसे कि मार्क्स, स्पोर्ट्स, बच्चे का बिहेवियर, ऐसी कई बातों पर पेरेंट्स कम्पेरिजन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से बच्चे को बुरा लगता है, साथ उससे उस दूसरे बच्चे पर गुस्सा भी आ सकता है, जिस वजह से बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ वायलेंट बिहेव भी कर सकता है। और इसीलिए अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें, हर किसी में अलग स्पेशलिटीज होती है। फॉलोइंग समवन एल्स एडवाइस। कुछ पेरेंट्स दूसरों की एडवाइस लेते हैं अपने बच्चों के लिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, तो उसकी कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी हो तो दूसरे से एडवाइस ना ले उसकी। बच्चे की किसी गलती पर भर के इंसान को डांटे नहीं, हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करे और किसी और के सामने ना डांटे। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो पेरेंट्स को नहीं करने चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों को ज्यादा वक्त दे और उनकी प्यार से परवरिश करे, ताकि बड़ा होके आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपसे उसकी बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपके ये वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।